हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप फ़ोन पे का यूज़ करते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, तो फ़ोन पे के अंदर आप जो है लिमिट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे में पेमेंट लिमिट कैसे बढ़ाएं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए इसे और वीडियो देखने के लिए। तो बहुत से लोगों को जो है लिमिट की दिक्कत आती है, जैसे कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर लिमिट लग जाती है। ठीक है, तो पैसा ट्रांसफ़र हम बेसिकली नहीं कर पाते हैं, तो लिमिट बढ़ाने का यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आपका लिमिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपका कौन सा बैंक लगा हुआ है। ठीक है, अपने फ़ोन पे पर कौन सी बैंक लगा रखी है। अब यहाँ पे जो लिमिट होती है वो फ़ोन पे कोई सेट नहीं करता है, फ़ोन पे की कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं होती है। आपका जो बैंक होता है वही आपकी लिमिट बताता है, वही जो है लिमिट आपकी सेट करता है। ठीक है, आपकी जो बैंक है उसी के हिसाब से आपका जो फ़ोन पे है उसका लिमिट होता है। तो आपका अगर जो अच्छा खासा बैंक है, तो मतलब अगर आपका कोई सरकारी बैंक है तो उसमें आपको लिमिट कम देखने को मिलती है, बाकी दूसरे जो बैंक होते हैं उसमें आपकी लिमिट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बैंक वाइज होता है, बैंक से आपका जो लिमिट है वो अटैच होता है, आपका फ़ोन पे पर अटैच नहीं होता है। बाकी अगर आप फ़ोन पे रेगुलर यूज़ करते हैं, फ़ोन पे का अगर आप रेगुलर चलाते हैं, तो जैसे आप जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उस तरीके से आपकी जो लिमिट है वो बढ़ना स्टार्ट होती रहती है। ठीक है, मतलब एक दिन में आप कितना ट्रांजैक्शन करते हैं, हर महीने कितना ट्रांजैक्शन करते हैं, उस हिसाब से आपका बैंक जो है आपकी लिमिट जो है बढ़ाता है। जिस तरीके से आपका अकाउंट कितना पुराना है और अकाउंट में कितना पैसा है, उस हिसाब से आपका जो है अकाउंट में जो है मतलब आप लिमिट लगाते हैं, लिमिट बढ़ सकती है। बाकी अगर आपको थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है, तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आपका ये हेल्प वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट इशू लिखा है, तो इसके ऊपर आप टैप कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद इस तरीके से लिखा आएगा, यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, इशू विथ फेल पेमेंट्स, तो इस वाले के बटन को आपको दबाना है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा अलग अलग ऑप्शन। तो वाई माई यू पी आई पेमेंट फेल एक नंबर पर ऑप्शन है, इस तरीके से आएगा, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप एक व्यू टिकट से यहाँ पे राइज कर देना और अपनी जो प्रॉब्लम है वो पे यहाँ पे बता सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको जो है बताएंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। या फिर एक ऑप्शन नीचे है कॉलर्स का, इस वाले बटन पर अगर आप क्लिक कर दे तो ये फ़ोनपे की नंबर आ जाएगी, इसके ऊपर आप कॉल करके जो है डायरेक्टली अपने कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं फ़ोनपे के, और वो जो है आपके अकाउंट में क्या दिक्कत है, किस तरीके का आपको ट्रांजेक्शन करना होगा जिससे आपकी फ़ोनपे की जो है लिमिट इंक्रीज होगी, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑनलाइन बता देंगे। ठीक है, आपके अकाउंट में दिक्कत होगी वो भी यहाँ पे आपको बता दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।